सूरज काफी मिलनसार था, वह पढ़ाई में भी तेज और सभी का चहेता था। इसी महीने उसकी एंगेजमेंट हुई थी। परिवार में खुशनुमा माहौल था। शादी का दिन भी उतर गया था और 13 जून को उसकी शादी होने वाली थी। बाइक से निकला तो फिर उसकी अर्थिंग घर पहुंची। सारण जिले के गरखा थाना अंतर्गत गरखा मानुपुर मुख्य मार्ग पर मीठेपुर ब्रह्म स्थान के समीप अनियंत्रित ट्रक ने उसे रौंद दिया, जिससे उसकी मौत छपरा सदर अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में हो गई। मृत युवक की पहचान सारण जिले के नया गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत शोभेपुर गांव निवासी अजय कुमार गुप्ता के 22 वर्षीय पुत्र सूरज कुमार गुप्ता के रूप में की गई। इस घटना के बाद परिवार वालों में कोहराम मचा हुआ है। रिपोर्ट हलचल न्यूज 24 छपरा। क्या कैसे एक्सीडेंट हुआ? एक्सीडेंट घर से कोई काम के लिए निकला हुआ था, उसी क्रम में एक ट्रक ने उसे कुचल दिया आमने सामने। दुर्घटना कहाँ हुई? रफ्तार में गाड़ी थी। मीठेपुर गांव का नाम है, गरखा थाना क्षेत्र मीठेपुर गांव का नाम है, वहीं पे हुआ है। ट्रक वाला भाग गया कि? ट्रक वाला ट्रक चालक फरार है। ट्रक जब्त हो गया है थाना के द्वारा, ट्रक जब्त हो गया है। आपको नाम सूरज क्या? हम उसके भाई हैं। भाई हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्की कुमार गुप्ता हुआ। घर कहाँ हुआ? घर सोहेपुर है, थाना नया गाँव डुमरी सारण। सूरज किस काम के लिए आया था घर का? सूरज कुछ अपना निजी। सूरज की मौत कैसे हुई है? कोई ट्रक वाला धक्का मारा है। कहाँ पर? कौन गरखा में, कौन अगल बगल में, हमको पता तो है नहीं। आप लोग मीठापुर में? कैसे सूचना मिली आप लोग? हम लोग हमारे वहाँ से कोई फोन किया था, हमको मालूम हुआ इसके बारे में। सूरज का घर कहाँ हुआ? गांव के शोभेपुर। शोभेपुर नया गांव।